हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आपको पता है जैसे कि सुबह मेरा तबीयत नहीं सही था, मुझे फीवर हुआ था और बहुत तेज़ सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। आज सुबह हम करीब लगभग हम 11-12 बजे सो कर उठे हैं, 12 बजे भी नहीं सो के उठे, 11:15 बजे सो के उठे। वही लगभग उठते उठते हमें बेबी का केयर वर करना, इधर उधर सब 12 बज गया था। उसके बाद हम फिर नहाए धोए, फिर उसके बाद आए किचन में, क्योंकि जब दवा खाएं, इन्होंने पहले नाश्ता दिया करने के लिए, इनके वीडियो में देखा होगा आपने, पहले नाश्ता दिया करने के लिए, फिर उसके बाद हमें दवा वगैरह जो हो सकता था इन्होंने किया। यहाँ तक कि किचन का पोछा वगैरह भी इन्होंने मार दिया था, झाड़ू पोछा भी कर दिया था, क्योंकि इनको पता था मेरा तबीयत नहीं सही, हम नहीं कर सकते। तो जितना इनसे हो सका, जितना इनके पास टाइम था, इन्होंने कर दिया। तो हमने बोला चलो ठीक है, इन्होंने कर दिया है, बाकी का जो बचा है वो हम कर लेते हैं। तो हम दवाई खाएं तो हमें थोड़ा आराम हो गया, तो हम उसके बाद अपना जो हो सका नाश्ता पानी बनाए, खाना पीना ये वो। तो गाइस, गला थोड़ा ख़राब है, आप लोग हमारे गला को इग्नोर करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों गला बैठा है और तबीयत भी अंदर से सही नहीं है। ना हम ठंडा पानी पी रहे हैं, ना ठंडा कुछ खा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों गला बैठ गया है। मौसम शायद चेंज होने की वजह से, पता है 2 दिन से यहाँ दिल्ली में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही कि हमें ये स्वेटर निकालना पड़ा मजबूरन में। और हमारे पति देव आ गए हैं ड्यूटी से, बच्चा लिए हुए हैं, तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये बच्चा संभाल रहे हैं। और मैं इसलिए थक गई हूँ ना गाइस, क्योंकि छत पर हम गए थे कुछ डालने, एक कपड़ा था, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कालीन था, हमने धो के डाला था ऊपर, कपड़े बोल रहे हैं, तो उसको धो के डाले थे ऊपर, अभी को जस्ट लेके आए हैं और तैयार हो गए हैं, बस जा रहे हैं, हमें मार्केट निकलना है। बर्तन वगैरह भी धो दिया है हमने, स्टैंड में लगाना है। आप लोग बोलेंगे यही बात बोलती है बार बार, तो पता नहीं क्यों गले बैठ गया। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं मार्केट, सब्जी वब्जी ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। क्या क्या लाना है? जाओ आप जा रहे हो तो पता है, हमेशा ये लाते थे सब्जी, हमेशा बस वही गोभी मटर टमाटर, थोड़ा बैठ जाते हैं, हमेशा पता है गोभी मटर टमाटर और क्या लाते थे, प्याज वही, आलू वही, टमाटर वही, लहसुन का पत्ती, और क्या क्या, मतलब टमाटर गोभी लहसुन का पत्ती, यही सब ज्यादा लाते थे, और मटर। तो हम बोले यार यही रोज लाते, कितने कई हफ्तों से यही लाते थे और हम खा के बोर हो गए थे, तो हम सोचे आज कुछ अलग लाए, तो इसलिए फटाफट हम तैयार हो गए हैं। अब जाएंगे फटाफट, सब्जी अच्छा अच्छा लाएंगे, और बाकी का भी कुछ घर में जो सामान नहीं है वो भी ले लेंगे। मुझे एक हैंगर चाहिए था, क्योंकि पीछे ना ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इस दरवाजे के पीछे मुझे ना वो जो पानी गर्म करने वाला रॉड होता है ना, उसको जब कहीं फंसाना होता है ना, तो ऐसा जगह नहीं है ना, तो हम कील वगैरह भी दीवार में नहीं मार सकते, क्योंकि जो यहाँ का सब दीवार है ना बहुत कमज़ोर है, कील मारते हैं वो निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ के दीवार की वजह से हमें दरवाजे में मारना पड़ेगा। तो जाएंगे हैंगर वगैरह लेके आएंगे, सब्जी लेके आएंगे, ये जनाब हमारे सब्जियों को खिला खिला के, गोभी टमाटर और मटर। तो अब जाएंगे कुछ अलग लेंगे थोड़ा सब्जी, बहुत कुछ मिलता है लेकिन ये लाते ही नहीं है। थोड़ा सा बैगन खाने का मन था लेकिन बैगन नहीं लाएंगे, तो लाडो को देखिए, पापा और बेटी का प्यार। बिट्टू तो पापा सपने खुश है, तो चलिए बाद में मिलते हैं मार्केट में जाके, बाय बाय। तो गाइस, मार्केट के लिए हम निकल गए हैं और झोला वाला भी ले लिए हैं, इधर देख सकते हो आप लोग, क्योंकि हमें ना आलू लेना था, और पता नहीं क्यों मौसम चेंज हुआ है जब से ना, तब से भैया हमारा गला बैठ गया और गले में कोई सुधार नहीं, तो फाइनली हम मार्केट पहुँच ही गए, दिखाते हैं आप सबको। सो गाइस, इधर देख सकते हैं हम मार्केट में आ चुके हैं, और बहुत दिन बाद हम मार्केट में आए हैं, मौसम ठंड का पड़ रहा है ना, तो कोई उतना बाहर निकल नहीं रहा है, मैं भी नहीं निकल रही थी, अब बाहर आई हूँ। इधर हम आ गए मसाला लेने, सब्जी भी इधर ले लिए, पत्ते गोभी,
सो गाइस, हम सब्जी उब्जी लेकर आ गए हैं और बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, तो आप सबको दिखाते हैं हम क्या क्या लेकर आए हैं। बैग करके दिखाओ। अच्छा, हम गए अच्छा सो गई, तभी हम बोले सो रही है, फिर हमें लगा नहीं खेल रही है क्योंकि ब्लैंकेट उड़ाओ ना। तो चलो हम दिखाते हैं, थोड़ा बैक करके आप दिखाओ ना, इधर आओ। बहुत ये पता है, इस आदमी को ध्यान से देखो, ये आदमी बहुत आलसी है, ये आदमी ना। तो हम बैक कैमरे से दिखा देते हैं। हमने आपको बोला था कि एक हमें ऐसे वो लेना है ना, क्या बोलते हैं, छोटा सा हैंग करने के लिए हैंगर लेना है। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इधर लाडू सो गई है और इधर मैंने मटर ले लिया है, 1 किलो मटर, टमाटर, उसके बाद इधर मैंने वो लिया है पत्ते गोभी, और इधर मेथी, हरा धनिया, और उसके बाद ये गोभी, और इधर आलू। तो पता है मुझे ना टमाटर बहुत पसंद है, हर मतलब सब कुछ में जितना भी टमाटर डाला जाता है ना, उसे 2-4 एक्स्ट्रा हम डालते हैं, टमाटर का मात्रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, सब्जी वगैरह अब लेकर आ गए, अब हम चलते हैं। सुबह का थोड़ा सा चावल बचा है, चावल को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और इनको भी देते हैं खाने के लिए, और खुद भी खा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा भूख लगा है हमको, ज़्यादा नहीं लगा है, बस थोड़ा सा भूख लगा है। तो किचन में आ गए हैं, बर्तन वगैरह हमने स्टैंड में लगा दिए, बाकी इधर देख सकते हैं एक कप है, क्योंकि सोच रहे थोड़ा सा चाय बना के पी लें, और कढ़ाई है, कढ़ाई ऊपर पता है बर्तन रखने का ज़्यादा जगह नहीं, इसलिए थोड़ा नीचे ही रखते हैं। तो चलिए चावल वावल फ्राई कर लेते हैं, तब तक टमाटर प्याज वगैरह कट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो इधर देख सकते हैं हमारा चावल भी फ्राई हो चुका है, क्योंकि इसमें कुछ करना तो होता नहीं है, बस प्याज टमाटर मिर्चा डालो और चावल को फ्राई करो। तो करते हैं चावल, गाइस थोड़ा गीला था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो अलग अलग होता है कुछ चावल। सो गाइस, इधर बन के तैयार हो गया है। गर्मा गर्म ठंड में, और पता है जब इंसान बीमार रहता है ना, तो बीमारी से उठता है, या बीमार रहते हैं तभी उसका बहुत तीखा चटपटा खाने का मन करता है। तो मैंने इसमें बहुत मिर्चा डाला है, कम से कम 7-8 मिर्चा डाला है, और इनके लिए भी मैंने निकाल दिया है, ये इन्हीं का है। और चलते हैं हम, अपने लिए भी निकाल लेते हैं, तब खा वा के आप लोग से मिलते हैं।